हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकीपीडिया। टिकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग जो यूट्यूब के अंदर में है कि आप पोल कैसे रख सकते हैं। हालांकि बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे टेक्नोरहज हो गए या फिर और भी बहुत सारे यूट्यूबर जो है अपने वीडियो में एक पोल रखते हैं, या फिर वो स्मार्टफोन से रिगार्डिंग हो, या फिर उनके चैनल के बारे में हो, या फिर उनके कंटेंट के बारे में हो, हम लोग जाके वहाँ पर वोट करते सेलेक्ट करते हैं। तो क्या हम छोटे यूट्यूबर यानी जिनका सब्सक्राइबर 400, 500, 200, 100 या 1000, 2000 है, तो ऐसा पोल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो इस वीडियो में मैंने उसी के बारे में डिटेल से बताया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात बता दूँ कि जो हम लोग पोल क्रिएट करते हैं यानी कि जो भी यूट्यूबर क्रिएट करता है पोल, वो कार्ट में जाके क्रिएट करना पड़ता है और डेफिनेटली वो किसी के लिए यहाँ पे नहीं है कि आप जो भी शर्त हो कि 10,000 सब्सक्राइबर हो तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 400-500 सब्सक्राइबर है तो भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। मेरे 600-650 लगभग सब्सक्राइबर है तो मुझे भी ये ऑप्शन मिलता है पोल रखने का कि मैं अपने चैनल के बारे में जो इम्प्रूव करने का ऑप्शन मैं आप लोगों से ले सकूँ, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये क्रिएट पोल यानी पोल जो है वो क्रिएट कैसे करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ऑप्शन आपको आता है वीडियो मैनेजर में जाके एडिट करने का, क्योंकि वहीं से आप कार्ट भी ऐड करते हैं, वहीं से आप जो वीडियो के लास्ट में होता है वो भी जाके आप वहीं पे सजेशन में डालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो मैनेजर में जाइएगा। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको कार्ट में जाना होगा। कार्ट में जाने के बाद आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्रिएट कार्ट का ऑप्शन सबसे पहले मिलेगा जहाँ पर आप वीडियो को सजेशन में देते हैं। उसके बाद आपको नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे एक क्रिएट पोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्रिएट पोल पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, चाहे आपके चैनल से रिलेटेड क्यों ना हो या फिर जो वीडियो बना रहे उससे रिलेटेड ही क्यों ना हो, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे दो ऑप्शन ऑलरेडी मिल जाता है, वहाँ पे दोनों ऑप्शन में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं दो ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए तो वहाँ पे और भी ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या, जब भी आपका वीडियो लाइव होगा यानी कि जब ही आपके सब्सक्राइबर उस वीडियो को देखेंगे तो जो कार्ट में आपका वीडियो सजेशन में आता था, तो वहीं पे कार्ट में आपके वीडियो सजेशन की जगह में जहां पे आपने पोल क्रिएट किया था वहां पे आपको क्रिएट पोल का ऑप्शन मिल जाएगा आपके व्यूअर्स को। तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने कंटेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि आप लोगों को यानी जो भी आपके व्यूअर्स हैं आपको इस कंटेंट के बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर ठीक ठाक है या फिर और अच्छा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यही बहुत सारा यानी कि ये करने से आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। और दोस्तों, ऑडियंस से जब पूछेंगे तो रिलेशन ज़्यादा और मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपके प्रोग्रेस होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था कि आप पोल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और ये वीडियो और ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल के बारे में या फिर यूट्यूब हेल्प के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।